नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद साह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर दो के नया प्रदेश प्रमुख में हरिशंकर मिश्र सिफारिश वेल संबंधी प्रसंग सा। प्रदेश नंबर दो के प्रदेश प्रमुख में हरिशंकर मिश्र सिफारिश भेल। आजुक मंत्रिपरिषद विस्तार से मिश्र के प्रदेश नंबर दो के प्रदेश प्रमुख में सिफारिश कने। मिश्र के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त कर राष्ट्रपति कार्यालय में पत्र पठाओल गए स्रोत जनौलक है। ऐसे पहले ओली नेतृत्व के सरकार प्रदेश प्रमुख में राजेश झा अहिराज के नियुक्त कने। प्रदेश प्रमुख में सिफारिश भेल मिश्र महतरी के पिपरा गाँव पालिका के पिपरा रहिहार नेपाली कांग्रेस के पुरान नेता राम नारायण मिश्र के पुत्र छ। वो नेपाली कांग्रेस से सांसद में निर्वाचित भेल छ। बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के फार्मेसी में अख्तियार छापामारी कलक। आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हेटौड़ा के टोली नारायणी अस्पताल में छापा मारने। बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के फार्मेसी में छापा मारल गेल। आवश्यक कागजात सब नियंत्रण में लेल गेल। फार्मेसी में भेल आर्थिक अनियमितता तथा लाखों के म्याद गुजरल दवाई सबके बारे में टोली छानबीन भ रहा। आयोग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौड़ा के प्रवक्ता विष्णु सापकोटा बतौलन। उप सचिव विष्णु प्रसाद सापकोटा के नेतृत्व में आयल पांच सदस्य टोली छापामारी फार्मेसी के दुकान तथा बीमा संबंधी दवाई के अधिकांश कागजात सब नियंत्रण में लेलक। नारायणी अस्पताल फार्मेसी में 1,23,00,000 से बेसी के अनियमितता आ लाखों म्याद बीतल दवाई सबके बारे में छानबीन भ रहा। प्रवक्ता सापकोटा बतौलन। विस्तृत विवरण बाद में जानकारी कराए। कहलन एम्हर नारायणी अस्पताल में अख्तियार के छापा पड़ला के बाद चिकित्सक सब स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सब में खलबली मचल। नारायणी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर उदय नारायण सिंह कहलन हम सेहो सुनने अख्तियार के टोली छानबीन कराएल। हम एखन OPD में रोगी देख रहा छी। कार्यालय दिस टोली नहीं अच्छी, फार्मेसी दिस कहीं भ सकैए। वो अख्तियार के अनुसंधान में प्रशासन सहयोग करबाक आश्वासन दिलन। अख्तियार के टोली अस्पताल में आयल आ फार्मेसी संग संबंधित कागजात आ स्टॉक में रहल दवाई सबके लगत संकलन कर रहा। अस्पताल के निमित्त मेसू डॉक्टर वीरेंद्र प्रधान जानकारी दिलन। बीरगंज के नारायणी अस्पताल में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय हेटौड़ा छापा मारने अच्छे। आई भिनसर 12 बजे से अस्पताल के फार्मेसी में कैल गेल अख्तियार के छापामारी लेट तक जारी रहल। जनता के सेवा में निस्वार्थ भावना के साथ खट हरेक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य होते हैं। मुदा के ठीक विपरीत कर्तव्यहीन जनप्रतिनिधि से कर्मचारी बनल महतरी जिला के बलवा नगरपालिका। 5 दिन से देशव्यापी भ्रमण में वो सब गेला के बाद पालिका के कामकाज ठप बनल। महतरी के बलवा नगरपालिका नगर प्रमुख विनोद कुमार यादव से कार्य सहयोगी सहित 60 गोटे जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सब 5 दिन से देशव्यापी भ्रमण में निकलल। बलवा नगरपालिका के 11 वार्ड में से 8 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष कार्यकारी सदस्य सब नगर प्रमुख विनोद यादव नगर उप प्रमुख रीता देवी झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारी इंजीनियर कार्तिकेश झा लेखाधिकृत शत्रुघ्न ठाकुर वार्ड अध्यक्ष सब वैद्यनाथ झा दिनेश यादव सोनाउल्ला सेठ राजकुमार यादव सहित 60 गोटे देशव्यापी भ्रमण में निकलल। रातु नदी बलवा नगर पालिका क्षेत्र के अधिकांश भाग डुबान आ कटान भरल समय में जनप्रतिनिधि सब जनता के समस्या के व्यवस्था क भ्रमण में गेल। नगरपालिका के सेवे प्रभावित होबे जका जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी सब भ्रमण में गेल में स्थानीयवासी सब आश्चर्यचकित बनल। स्थानीयवासी अशोक कुमार यादव बतौलन वो सब करीब 1 हफ्ता से पोखरा बागलुम चितवन रामपुर लगायत के स्थान के भ्रमण में है। पालिका से जम्बो टोली भ्रमण में निकलक बाद एखन नगरपालिका के संपूर्ण कामकाज ठप है। सेवाग्राही के समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है। नगर प्रमुख विनोद कुमार यादव निर्वाचित भेल करीब 4 वर्ष से अपने सब कतौ नहीं गेल कहे अहिबेर मौका मिलाकर भ्रमण में निकलल बतौने। प्रतिबंधित भारतीय नोट सहित रौतहट से 1 गोटे पकड़ाव पड़ल। पकड़ल गेल में भारत बिहार राज्य के दरभंगा जिला कमतौल रहनिहार 40 वर्षक संजीत साह रहल जनाओल गेल। भारत से नेपाल दिस पैदल आबि रहल उनका जिला प्राधिकारी रौतहट से खतल प्रहरी के गौर नगर पालिका 5 मेन चौक से पकड़ाव कने जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनौलक। उनका संग से प्रहरी प्रतिबंधित 2,000 दर के 69 थान क जमा 1,38,000 भारतीय रुपया बरामद कने। पकड़ा पड़ल उनका ऊपर थप अनुसंधान भ रहा प्रहरी जनौलक।
सिरहा से लागू औसत गार्ड सहित एक गोटे के पकड़ाव कलक पकड़ल गेल में लहान नगर पालिका 17 गोविंदपुर रहनिहार 40 वर्षक बागेश्वरी चौधरी रहल इलाका प्रहरी कार्यालय लहान आ प्रहरी चौकी लहान सिरहा से खटल प्रहरी के टोली आई चौधरी के घर से 10 किलो अवैध लागू औसत गांजा बरामद कने जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनौलक प्रहरी उनकर घर में खान तलाशी कला पर घर भीतर नुका कर रखने अवस्था में भेटला के बाद चौधरी के नियंत्रण में लेने थप अनुसंधान भ रहा प्रहरी जनौलक भारतीय बचिया रहल कहे मुख्यमंत्री कार्यालय साइकिल नहीं देने एक बच्चा के जिला युवा संचाल धनुषा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर में साइकिल हस्तांतरण कल भारत के स्टेट सीतामढ़ी साहब के विगत 45 वर्ष से जनकपुरधाम में रहते आयल मोहम्मद आलम के पुत्री लाडली खातून के साइकिल प्रदान कल गया खातून कक्षा 9 में अध्ययनरत रहल मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत जनकपुरधाम के जानकी माई में कल गया साइकिल वितरण कार्यक्रम में लाडली खातून के भारतीय लड़की भेला के कारण से साइकिल नहीं दल गया था खातून अपने नियमित विद्यालय जा रहा विद्यार्थी रहला से अपने से साइकिल पाव पड़वा कह अपन पीड़ा मीडिया में रखने छे लाडली गणित काल वीडियो सामाजिक संजाल में वायरल भेल छल 15 अगस्त के दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर में भारत सरकार नेपाल के विभिन्न सहयोग अनुदान तथा अत्याधुनिक सवारी साधन से प्रदान करते मुदा भारतीय लड़की रहल कहत स्वतंत्रता दिवस के दिन खातून साइकिल नहीं पोला के बाद लोर गिरौने वीडियो में देखल गया था उनका भारतीय रहल उनका संग जन्मदर्ता से नहीं रहला से साइकिल नहीं दल गया था विद्यालय के शिक्षक गौरीशंकर लाल कर्ण ए विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय के साइकिल वितरण फाट में व्यापक बहस से भेल बतौलन भारत के आधार कार्ड के आधार में विद्यालय में भर्ना कर मिलत पढ़ाब मिलत मुदा वर्षों से विद्यालय आवे वाला बच्चा के सुविधा दिए किया नहीं मिलत उनकर मनोविज्ञान में की असर पड़त लगा के सवाल समय बहस भेल छल मुदा तैयो खातून के लिए साइकिल नहीं पठौन उनकर उपराग रहल जिला युवा संचार धनसा के टीम लाडली के घरे में पहुँच कर एक थान साइकिल आ स्टेशनरी के समान हस्तांतरण कलक संजाल भविष्य में आरो आवश्यक सहयोग करवाक प्रतिबद्धता जनवत खातून के साइकिल हस्तांतरण कने नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल भूतपूर्व गोरखा सैनिक के आंदोलन के विषय में आब नेपाल सरकार के सक्रिय संलग्नता में पहल कर पड़वाक बतौने प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार के विशेष समय में वो 10 दिन से आमरण अनशन में बैसल भूपू गोरखा के मांग संबोधनक लेल बेलायत सरकार वार्ता टोली से नहीं बनौनाए आपत्तिजनक रहल कहत आब नेपाल सरकार के सक्रिय संलग्नता में पहल कर पड़वाक बतौने अपन देश के नागरिक सब के हक हित में जोरदार आवाज उठाव प्रभाक में अपन न्यायोचित मांग उठेबाक भूतपूर्व गोरखा के हतोत्साहित करबाक गतिविधि केनाई खेदजनक रहल उनकर कहब रहल रावल भूतपूर्व गोरखा सब के समस्या समाधानक लेल नेपाल सरकार के सहभागिता में वार्ता समिति गठन कर पड़वाक आ समस्या समाधान कर पड़वाक में जोर दिलन वो आमरण अनशन में बैसला पर उनका सबके स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ रहला से त्रिपक्षीय समझौता पुनरावलोकन कह मांग पूरा कर सरकार के ध्यानाकर्षण कराने नेकपा माओवादी केंद्र के गिरिराज मणि पोखरेल अफगानिस्तान में रहल नेपाली के तत्काल उद्धार कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन वो भूमि आयोग के व्यवस्थित बनाकर भूमिहीन सुकुम्बासी के समस्या के समाधान कर पड़वा आ उसके लिए विगत के सरकार गठन कने आयोग से स्थानीय तह संग मिलकर कने काम के मान्यता देव आग्रह से कलन जसपा के सांसद प्रदीप यादव प्रधानमंत्री देवा नेतृत्व के गठबंधन से आगामी निर्वाचन के बाद से 5 वर्ष सरकार चलेबाक जका जनता मैंडेट देत बतौलन संसद में बहुमत साबित कर भेल प्रधानमंत्री के परमादेश के प्रधानमंत्री कह के हेपैत आयल काम भेल वो बतौलन हिमालय के सांसद महेश पत्नेत प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अंत करवाक अध्यादेश से नेकपा एमाले विभाजन करवाक अध्यादेश लाव लागल कहे के विरोध कलन वो एखन के अदालत सेटिंग में चलल से आरोप लगौने छ सम्म नगरिनु जिम्मेवार सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन बेलायतको संसदमा रहेका सदस्यहरूले समेत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसनप्रति ध्यान दिन र माग पुरा गर्न माग गर्दै आवाज उठाएका छन् गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सरकारका पक्षबाट युद्धमा होमिएको र यो तहको त्याग र बलिदान गर्दा समेत त्यसको अनुपातमा पुरस्कृत गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै मानवोचित र न्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको पाइँदैन पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारियाबद्दी नक्सा समावेश गरेको सर्वविदितै छ त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल भने अध्यावधिक गरिएन अहिले विद्यार्थीहरूले नेपालको क्षेत्रफल कति चाहिँ बन्धक बनाउन कोसिस गर्ने
अनि आफू चाहिँ अरूलाई दोष लगाउने मिल्छ त अमुक महोदय? जब 73 का सरकार थियो अनि 4 बाट आएर चाहिँ बहुमत लिनु पर्थ्यो 30 दिन भित्र, तर बहुमत नलिकन निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले रणभूमि छोडेर भाग्नुभयो। साबित गर्नुभयो 165 जना सांसदले सिग्नेचर गरेको र म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई बनाउन चाहन्छु सामुख महोदय। त्यस्तो साहसी प्रधानमन्त्रीलाई होच्ने हेप्रे त्यसले चाहिँ अब जनता माफ गर्ने छैन। यो सरकार 1-2076 प्रत्यायन पिटिसन विधेयक 2076 टेबल भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के सचिव गोपालनाथ योगी राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति भेल ओ दू विधेयक संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश सहित टेबल केने अछि। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकारी निर्देशक चंद्र सिंह साउद आचार संहिता आ कानून से नहीं रोकला से अपने शेयर खरीद केने दावी केलनि अछि। आई प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैसार में साउद प्राथमिक बाजार में कानून से शेयर खरीद कर नहीं रोकला से शेयर खरीद केने बताने छ। शेयर खरीद में नैतिक प्रश्न उठला के बाद शेयर खरीद नहीं कहने रहती तो हाथ से लगला सा आपसे एहन विषय में अपनी दूरे रहब वो बतौलन। नेप्से आचार संहिता कर्मचारी नियमावली भीतर रहकर निर्णय कहने रहित समाज से आवश्यक बाक प्रश्न के ध्यान दैत आगामी दिन में एहन कमी कमजोरी के सुधार कैल जेबाक कार्यकारी निर्देशक साउद स्पष्ट कलन। वो पिछला समय शेयर बाजार में सर्वसाधारण के सहभागिता बढ़ल कहे स्वयंकूल स्टॉक एक्सचेंज प्रवृत्ति के अपग्रेड कर प्रभाव धारणा रखने कंपनी बने को वास्तव में आज को मिति सम्म पनि सेकेंडरी मार्केट में होने कि प्राइमरी मार्केट में इंट्री नगरेको कंपनी हो। जब सम्म त्यो लिस्टेड स्टॉक में लिस्टेड हुँदैन सूचीकृत कंपनी भनेको छ फिर तब ओटीसी को कुरो लेखेर पनि लेख्नु भएको छ त्यहाँ ओटीसी भनेको डिरेगुलेटेड मार्केट हो हाम्रो अहिले त्यो भन्छ र लिस्टेड कंपनी मात्रै रेगुलेटेड सेकेंडरी मार्केट हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ न वेबसाइटसँग अलायन्स भएको संस्था हो न त्यसमा सूचीकृत भएको संस्था हो र अब हामी नेप्से भनेको वास्तवमा यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निकाय मात्रै हो। यसले कुनै नीति नियम कानुन बनाउँदैन शुद्ध रूपमा। बैसार में सांसद सब नियमन निकाय स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख कार्यकारी आ परिवार कारोबार में संलग्न हेबाक विषय से समग्र शेयर बाजार के कामकाज भाई के निष्पक्षता ऊपर प्रश्न उठल बताने छल। सांसद राम कुमारी झांकरी सार्वजनिक पद धारण क्रम में आत्म अनुशासन आ नैतिकता हो प्रभाक बताने छल। अब त्यही सर्वोत्तम सिमेन्टको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब कानुनमा विनियममा नियममा यस्ता कुरा राखेर यो च्याप्टर 2 कुरा गर्दा कारोबार गर्न मिल्छ भनेर सामान्य हिसाबको कुरा गर्ने हो भने अब यस्ता कुराहरू पनि फेर्न पर्ने रहेछ। जस्तो हामीले दिएको एउटा सिफारिसको पुँजी बजारको सन्दर्भमा सिफारिसकै सन्दर्भमा हामीले के गरेका थियौँ भने प्रतिष्ठित कम्पनीसँग साझेदारी गरेर पनि भनेका थियौँ अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ आचार संहिता धितुपत्र कारोबारभित्र हुने गलत जालसाजी धोकाघडी होइन अनि यो फ्रड धितुपत्र बोर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विषयमा उठल प्रश्न बारेमा आओर नियामक निकाय आ अर्थ मंत्रालय संग विमर्श कैल जेबाक समिति जनौलक अछि। नेपाल में आई थप 3,451 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 10,093 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,566 आ 5,518 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 885 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। अहिसँग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 810,853 पहुँचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 35 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अहिसँग नेपाल में कोरोना के कारण 10,327 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 2,458 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,85,140 गोट कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 39,371 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 402 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 37,67,665 पीसीआर आ 4,01,371 एंटीजेन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के चालू अधिवेशन अंत
सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रतिनिधि सभा के चालू अधिवेशन अंत के प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में सभामुख अग्नि सापकोटा प्रतिनिधि सभा के चालू अधिवेशन अंत भेल पत्र पढ़ कर सुनौने सर्वोच्च पुनर्स्थापना केने रहितो पुनः शुरू भेल प्रतिनिधि सभा बैसार औपचारिकता में मात्र सीमित भेल प्रतिनिधि सभा के चालू अधिवेशन में कोनो भी नया विधेयक दर्ता नहीं भेल आ राष्ट्रीय सभा में उत्पत्तीय भक पारित भक आयल सात विधेयक सब संबंधी ओ सभा के संदेश के जानकारी सभा में कराओल गेल सभामुख सापकोटा बतौलन इधरे अधिवेशन में सभा के अगिलका अधिवेशन सब सा विभिन्न चरण में रहल जमा 37 विधेयक सब प्राप्त भेल छल जाहि में से करागार विधेयक 2076 के संबंध में संबंधित समिति से सभा में प्रतिवेदन पेश भेल सभामुख जानकारी दिलन तरीका काम कार्यवाही को संक्षिप्त जानकारी सम्मानित सर्वोच्च अदालत को 2078 असार 28 गते को ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा को 8 अधिवेशन को पहिलो बैठक 2078 साल साउन 3 गते आइतबार प्रारम्भ भई आज 2078 साल साउन 32 गते सोमबारसम्म जम्मा 29 दिन चालू रह्यो जसमध्ये 9 दिनमा 10 पटक बैठक बसी जम्मा 20 घंटा 15 मिनट संसदीय काम कारवाहीमा व्यतीत भयो यस अधिवेशनमा आर्थिक अध्यादेश 2078 राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 विनियोजन अध्यादेश 2078 फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो बेर विघटन केने प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालत के बितला अखार 28 गते फैसला सा पुनरुत्थान केने छ साउन 3 गते रेब के प्रारंभ का सोम दिन धर जम्मा 29 दिन बैसार चालू रहल छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अफगानिस्तान में भेल नेपाली के घटना के बारे में जतेक जल्दी सदन के जानकारी देव सरकार के निर्देशन दिलेन प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में हो अफगानिस्तान में भेल नेपाली के घटना के बारे में जतेक जल्दी जानकारी कराव सरकार के निर्देशन देने बैसार के शुरुआते में समय लग एमाले के सांसद गोकुल बासकोटा अफगानिस्तान में भेल घटना आ ओहिठमन रहल नेपाली के अवस्था जान पाव पड़बाक विषय में उठौने बात में तत्काल उद्धार कर सेहो सभामुख सापकोटा निर्देशन दिलन त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु इससे पहले बैसार में बासकोटा अफगानिस्तान सार्क राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र भेल आ नेपाल सार्क के अध्यक्ष भेला सा वे घटना में सरकार के दृष्टिकोण आव प्रभाग में जोर दे अफगानिस्तान में रहल नेपाली नागरिक त्रसित आ भयभीत अवस्था में रहला सा संकट में पड़ल नेपाली के उद्धार कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन स्वर्गीय भइसकी भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् सभामुख महोदय यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ त्यसो हुँदा यो परमादेश सरकारले आजै सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा अफगानमा बसेका यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका त्यहाँ पनि उनको आँसु त्रास र पीडा तिनका परिवार तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटेका छन् त्यस उनीहरूले सूचना पाउनुपर्दछ सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनुपर्दछ यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभा तत्काल अफगानिस्तानमै रह नेपालीकै अवस्था परिवारकै सूचना आ सरकारकै दिशा जतेक जल्दी प्रतिबद्धता अब प्रभाग माग केने छलखिन विद्रोही तालिबान समूह देश कब्जा करित अफगानिस्तानमै विजय हासिल केने घोषणा केलक अछि रेप की राजधानी काबुल प्रवेश कर कब्जा करे तालिबान लड़ाकू सब राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश केने अछि राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करे तालिबान अपन विजय रहब भेल घोषणा केने अछि अल जजीरा न्यूज नेटवर्क सामने केने वीडियो में लिबान तालिबान लड़ाकू सब के पैघ समूह राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रवेश कर राष्ट्रपति रहबला बैसवला कुर्सी में बैसल देखल जा रहा अछि एहि संगे तालिबान युद्ध खत्म भेल घोषणा सेहो केने अछि तालिबान देश के मुक्ति आ जनता के स्वतंत्रता प्राप्त केने बताने अछि विद्रोह मार्फत 20 वर्ष के बाद पुनः सत्ता में पहुंचल तालिबान आई इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान घोषणा करबाक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी उल्लेख कलक अछि तालिबान समूह रेवगे राजधानी काबुल प्रवेश करने लगते
राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोड़ने है। उपराष्ट्रपति से देश छोड़ने हल्ला चल रहे तो वो अपने काबुल मात्र छोड़ने आ अफगानिस्तान में रहल बताने है। तहिना तालिबान अफगानिस्तान के राजधानी काबुल कब्जा कल के बाद ओहिठमन व्यक्ति सबके भाग दौड़े मचल है। बीबीसी प्रत्यक्षदर्शी के उद्धृत कर लिखने है एयरपोर्ट के रनवे में व्यक्ति सब घायल भेल है। ओहिठमन भागदौड़ के स्थिति बनल छल। आप घर घूर चाहवला अफगानी नागरिक तालिबान के चेक पोस्ट भक जाय पड़बाक स्थिति आयल बीबीसी जनौलक है। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिय। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।